अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। ये सिर्फ जी बात करें अगर एडिबल ऑयल पैक की, तो विदेशी बाजार में देख रहे हैं कि हम खाद्य तेलों में नरमी आएगी अब धीरे धीरे करके। यूएस सोयाबीन वायदा देख रहे हैं 1700 से लुढ़क कर अब $1650 पर आ गया है, $50 की नरमी देखने को मिली है। बाकी खाद्य तेलों की बात करें तो बाकी खाद्य तेलों में भी विदेशों में गिरावट बनती नजर आ रही है, जबकि जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग हैं। आपको क्या लगता है एडिबल ऑयल्स में अब ये जो नरमी बन रही है वो क्यों बन रही है फंडामेंटल्स अच्छे होने के बावजूद? देखिए अभी थोड़ा सा कंसर्न जो है वो चाइना का कंसर्न काफी आगे निकल कर आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी भी ट्रेंड जैसा कि फंडामेंटल हम देख रहे हैं वो काफी सपोर्टिव है, और उसके चलते आगे चलकर तेजी का ही रुझान एक्सपेक्टेड है कि बन सकता है। और अभी मार्केट जो है थोड़ा बहुत सुस्ती में जरूर आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन पिछले हमने कुछ दिनों में तेजी भी देखी, काफी एडिबल ऑयल पैक के अंदर तेजी भी देखने को मिली है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छी खासी रैली आई है। और अब यहाँ से बाजार जो है थोड़ा बहुत अगर लुढ़कते भी हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि वापस से, क्योंकि देखिए फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है, और जब सप्लाई कम है और डिमांड अभी भी निकल रही है, और आगे चल के अब आप देखेंगे अभी जो नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद जो शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, फिर एक खाद्य तेलों की डिमांड जो है डोमेस्टिक लेवल पर भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो मुझे लगता है कि तेजी बन सकती है। और अभी छुटपुट गिरावट है, इस गिरावट के अंदर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। जी